कोटद्वार शहर के कनेक्ट वे जेटी को जल्दी आवाजाही के लिए और भी विकसित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार पूरी जेटी में छत लगा दी जाएंगे ताकि बारिश और गर्मी के समय लोगों को परेशानी ना हो। जानकारी के अनुसार पोर्ट प्रबंधन बोर्ड पूरे प्रयास कर रहा है कि इस कार्य को मार्च तक पूरा करने की कोशिश की जाए। चैनल वन न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर आरडी ने बताया कि इस काम को अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क से देखेगी और उन्होंने ये भी कहा कि जेटी के भीतर आने और जाने में असुविधा ना हो, इसलिए उन्होंने फोनिक्स बे जेटी में यात्रियों के अंदर आने और बाहर निकलने वाले गेट को अलग अलग कर दिया है। जेटी में हमने एक्चुअली क्या है कि जब पैसेंजर्स मूव करते हैं तो इनको काफी धूप और बारिश का सामना करना पड़ता है एट टाइम्स, तो उसको कम करने के लिए हमने अभी एक प्लान किया है कि जो हमारा एक्सबीएस यानी बैगेज पैकिंग जो सिक्योरिटी बूथ है वहां से लेके और मैक्रूज का जो जहां से मैक्रूज जाता है लास्ट में मतलब जेटी नंबर 6 अपना, तो वहां तक यानी कि एक्सबीएस से लेके हमारा जो पैसेंजर हॉल ड्रेस्टिंग रूम है वहां तक एक वॉकवे रहेगा, कवर्ड वॉकवे, कवर्ड मीन्स इट विल कवर्ड फ्रॉम टॉप साइड से ओपन रहेगा तो सब, और उसमें स्मोक सरफेस रहेगा, सिर्फ ट्रॉली मूवमेंट में दिक्कत नहीं हो और लोग अपने सामान को आराम से ले जा सके तो आने जाने। दूसरा चीज हमने किया है कि वन वे ट्रैफिक किया यहाँ पे कि एंट्री डीएसएस गेट टाइप से होगी और स्कैनिंग करने के बाद लोग पैसेंजर्स जाएंगे, उतरने के बाद वो फ्रेंड्स वे गेट से दूसरे गेट से बाहर निकलेंगे सो दैट की पैसेंजर्स का आपस में मूवमेंट जिसमें बोर्डिंग डिसबोर्डिंग का टाइम होता है डिसएम्बार्केशन का उस समय रश ज्यादा ना हो और कोई इंकन्वीनियंस ना हो। सेट का मैम चूंकि अभी आज ही हम लोगों ने उसको डिजाइन पे वर्क कर रहे थे, अपने ALIW उसको काम तो करेगा, हम उम्मीद करते हैं कि मार्च